क्या आप अपने बिजनेस को लेकर परेशान रहते हैं या छोटी मोटी रुकावटों की वजह से आपको कारोबार में तरक्की नहीं मिल रही, तो परेशान ना हो, ये वीडियो आपके लिए है। दरअसल कुछ ही दिनों में दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। दिवाली खास तौर पर कारोबार के लिहाज से बेहद शुभ मानी जाती है। धनतेरस के दिन कई लोग अपने नए कारोबार की शुरुआत करते हैं। ऐसे में अगर आप अपने कारोबार को पटरी पर लाना चाहते हैं, तो हम आपको इस वीडियो में दो उपायों के बारे में बताएंगे, जिसकी पूरी जानकारी हमें मिली बीकानेर के ज्योतिषाचार्य पंडित भवानी शंकर शास्त्री जी से। उन्होंने क्या क्या बताया, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धनतेरस पर किए जाने वाले उपाय की। धन त्रयोदशी कहें या धनतेरस, इस दिन माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की पूजा की जाती है। अगर आप अपने बिजनेस को लेकर परेशान रहते हैं, तो धनतेरस के दिन आप माता लक्ष्मी के एक खास पाठ का जाप कर सकते हैं। इस बारे में ज्योतिषाचार्य ने क्या बताया, चलिए जानते हैं। धन त्रयोदशी आती है, उस धन त्रयोदशी के रात्रि में वृक लग्न से शुरू करके और ब्रह्म मुहूर्त तक इसमें श्री शुक्त का जो लक्ष्मी जी के मंत्र का संपुट लगा करके अगर कोई पाठ करता है, निश्चित रूप से उस मानव को व्यापार में वृद्धि होती है। श्री सूक्त पाठ आपको एक अच्छा फल दे सकता है, इसमें आपको किस मंत्र का जाप करना होगा, चलिए अब ये जानते हैं। तो ऐसा वेदों में शास्त्रों में बताया है कि अगर किसी का व्यापार कमजोर है, धन की कमी है, बार बार अड़चने आती है, तो उसमें एक लक्ष्मी जी का मंत्र है। तो ये मंत्र जो है वो ओम श्री रिंग श्रृंग कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रृंग रिंग श्रृंग ओम महालक्ष्मी नमः, इस प्रकार के मंत्र से श्री शुक्त का संपुटित पाठ करने से और गोपाल सहस्त्र का रात्रि में धन त्रयोदशी के दिन और दीपावली के रात्रि में इसका पाठ करने से निश्चित रूप से उस मानव को व्यापार में वृद्धि होती है। अगर आपका कोई शत्रु है जिसकी वजह से आपको कारोबार में तरक्की नहीं मिल रही, तो आप परेशान ना हो। अब हम आपको एक खास उपाय के बारे में बताते हैं, ज्योतिषाचार्य ने क्या कहा, चलिए जानते हैं। कि जैसे कोई शत्रु के द्वारा अगर कोई परतंत्र परमंत्र पर्यंत्र कोई प्रयोग कर देता है और उसके व्यापार में कोई हानि होती है, कोई नुकसान होता है, व्यापार में बार बार दिक्कतें आती है, तो उसको धनवंतरी यानी धन त्रयोदशी के दिन रात्रि में जो छोटी दिवाली होती है, उस दिन भी हनुमान जी के मंत्र का जप है, शत्रुनाशक मंत्र जप है, ओम मर्कटेश महोत्साह है सर्व व्याधि विनाशन है शत्रु संहर माम रक्ष श्रियम दापय देहि में, इस प्रकार हनुमान जी का मंत्र जप करने से शत्रु का नाश होता है और व्यापार में वृद्धि होती है। तो इस दीपावली अपने कारोबार में तरक्की लाने के लिए इन दो मंत्रों का जाप जरूर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें लोकल 18।